होराइजन ने न्यूज ने लिया जनता रसोई का जायजा। रोज हजारों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है बना बनाया भोजन। शहर के जनप्रतिनिधि और भामाशाहों के सहयोग से की जा रही है जनता की सेवा। आज राजस्थान में लॉकडाउन का 16वां दिन है। करीब मजदूर असहाय लोगों तक खाना और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का कार्य जारी है। बात अजमेर की करें तो आज होराइजन हिंद न्यूज ने सत्यम पैलेस में चल रही जनता रसोई का जायजा लिया। इस जनता रसोई की शुरुआत किस तरह हुई वो बताया भाजपा पार्षद चंद्रेश सांकला ने। सांकला ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि 22 मार्च को उन्होंने ये प्लान तैयार किया कि जनता रसोई के सहयोग से वह गरीब और मजदूरों तक जो रोज दिहाड़ी करके अपना घर चलाते हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए। हम खड़े हैं वैशाली नगर स्थित जनता रसोई पर। जनता रसोई में जैसे कि आप देख रहे होंगे, जनता रसोई एक ऐसा प्रयास है शहर के गणमान्य लोगों का, जिस प्रयास के चलते हजारों लोगों की भूख मिटाई जा रही है। हजारों लोगों को जो किसी न किसी तरह से विक्षिप्त हैं या परेशान हैं इस लॉकडाउन के दौरान, उस लॉकडाउन में हजारों लोगों को ये लोग भोजन मुफ्त पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों की जन सहभागिता से मिलकर। आइए आपको दिखाते हैं। मैं चाहूँगा यश कि आप 2 मिनट ये कैमरा जो है इस टीम की तरफ लें। देखिए आप, ये टीम कितनी कमिटमेंट से, कितने समय से लगी हुई है और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये टीम अपना काम कर रही है। ये लोग सुबह 8 बजे आ जाते हैं और जानकारी के अनुसार ये लोग सुबह 8 बजे बाद लगातार 12 बजे तक यहाँ पर पूरे शहर के लिए व्यवस्थाएं संभालते हैं। आइए आपको बात करवाते हैं चंद्रेश सांकला जी से, जो कि एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण कड़ी और मैं तो कहूँगा इग्निटर है इस प्रोजेक्ट के। चंद्रेश जी, आपको इस सब सेवा करके कैसा लग रहा है और मतलब ये कैसे मूर्त रूप पर आई ये चीज़ जानना चाहेंगे लोग। देखिए, 22 तारीख को ऐसा माहौल बन रहा था कि लॉकडाउन होने वाला है, तो 22 तारीख को मन में विचार आया और फिर मैंने कौशिनोक जी को फ़ोन किया। सबसे पहले मैंने कहा कि कौशिनोक जी अपन को ऐसा काम करते हैं जिससे बहुत अच्छे लेवल पे काम हो सके, तो उन्होंने तुरंत कहा कि डन, अपन मिलके काम करते हैं। उन्होंने अपने स्तर पर अतुल जी से बात कर ली। अतुल जी का फ़ोन आ गया कि ठीक है अपन मिलके काम करते हैं। अतुल जी पाटनी। फिर उसके बाद 23 तारीख को मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले मेयर साहब को फ़ोन किया। मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मैंने कहा पार्षद अगर सारे जुड़ जाएंगे तो हमारी गतिविधि बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और नीचे तबके तक सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पार्षद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने वार्ड में सबसे जो गरीब होता है उसको जानता है। तो उनको फ़ोन किया, उन्होंने हरी झंडी दी, सहमति दी, उन्होंने कहा जो सहयोग होगा बिल्कुल करूँगा। मैंने हमारे विधायक को फ़ोन किया, उन्होंने सहमति दी, माननीय अनिता जी को किया, उन्होंने सहमति दी, कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं विजय जी जैन उनको किया, उन्होंने सहमति दी, हाड़ा जी से बात करी, उन्होंने सहमति दी, उसके बाद सारे पार्षदों से बात करी तो सबने सहमति दी पूरी कि ठीक है करो। शाम तक पूरी तैयारी, दूसरे दिन हमारी रसोई चालू हो गई। पहले दिन हमने 300 पैकेट की सप्लाई दी और अभी वर्तमान में लगभग 4000 पैकेट की हम सप्लाई रोजाना दे रहे हैं। भाई ये 4000 पैकेट एक मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है। 4000 लोगों को रोज यहाँ पर यहाँ से भोजन प्राप्त होता है। शहर में कितनी बड़ी सेवा का काम ये नौजवान पार्षदों का और नेताओं और भामाशाहों का ग्रुप कर रहा है, वाकई इसके लिए लोग बड़े साधुवाद के पात्र हैं। जिसके बाद उन्होंने कई भामाशाहों से सहयोग देने का आग्रह किया, जिसमें लॉयन अतुल पाटनी ने तुरंत सहयोग हेतु हामी भर दी। लॉयन अतुल पाटनी, लॉयंस क्लब अजमेर आस्था से संबंध रखता हूँ। मेरे साथ में दिगंबर जैन महिला महासमिति का पूरा सहयोग है। हमारे प्रिय मित्र चंद्रेश जी सांकला का फ़ोन आया कि हमें रसोई जनता रसोई चालू कर रहे हैं, उसके अंदर आपका सहयोग चाहिए। हमने क्योंकि यह संकट की घड़ी है भारत के ऊपर, इसको देखते हुए हमने तुरंत ही उनको हाँ भर दी कि रसोई की स्थापना करिए। उन्होंने मेरे को बोला कि सब सामान वगैरह आपको दिलाना पड़ेगा, मैंने उनको एक मिनट में यस कर दी, क्योंकि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का काम ही यही है पीड़ित मानव की सेवा करना। और हमारे साथ में दिगंबर जैन महिला महासमिति की 750 महिलाएँ जो 17 इकाइयों के अंदर विभाजित हैं, उन सब की तरफ से हमने एक मिनट में यहाँ भर दी और हमने रसोई चालू कर दी। सारा सामान सूखा भेज दिया, दूसरे दिन से चालू हो गया खाना। 300 के आसपास लोग उसके अंदर पहले दिन आए, 300 फूड पैकेट निपटे। तो चंद्रेश जी ने मेरे को कहा कि भाई साहब ऐसे तो कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा, अपने को क्या करना है। तो उसके लिए हमने फिर इसके लिए एक वार्ड जो पार्षद होते हैं उनका एक ग्रुप खोला और उनमें लिखा कि भाई जिसको भी इस रसोई से जुड़ना है तो जुड़िए। 2 दिन के अंदर ही उसकी 1800 पैकेट फूड पैकेट निपटने लग गए खाने के, अलग अलग वार्डों में जाने से।
और इसी समय हमारे जो विधायक साहब हैं वासुदेव जी देवनानी, उन्होंने उसका रसोई का अवलोकन किया और बोला कि ये पूरी कब तक बनाओगे, और उनकी तरफ से इसके अंदर उसके अंदर उनकी तरफ से रोटी का योगदान हुआ, हमारा काम आधा हो गया, रोटी आने से ही आधा काम हो गया, कारीगर फ्री हो गए, वो दूसरी सब्जियां और अन्य चीज़ें बनाने में लग गए। इसके पश्चात में अनिता जी बदेल मैडम जो कि विधायक है दक्षिण की, उनका सहयोग मिलते हुए उन्होंने सब्जी की यहाँ भरी और उनके ओर से प्रतिदिन सब्जी की सुविधा दी जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस से रिलेटेड कोई नेता है जो इसमें सहयोग दे रहा है या नहीं? नहीं, ऐसा है कोई भी सहयोग दे, हमने इसको फ्री सर्विस नहीं किया है। हमने जैसे कोई भी आदमी होता है उसको चाहिए तो वार्ड के अंदर 40 पैकेट 50 पैकेट, लेकिन वो 200 पैकेट मंगा लेता तो वेस्टेज जाता है खाने का, तो हमारे को वेस्टेज भी नहीं करना था। इसलिए हमने सुधा सागर जी महाराज के जो नियम है कि किसी को फ्री मत खिलाओ और जरूरतमंद को आप फ्री दो, हमने वार्ड पार्षद को यही बोला कि आप अपने हिसाब से इसका 10 रुपये एक टोकन हमने रख दिया है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसके अंदर पैसे दो, कोई जरूरतमंद किसी से लेने नहीं है आपको, आप भी दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, आप अधिक सहयोग करो तो भी ठीक। तो आज जनता रसोई के अंदर बहुत सहयोग आ रहा है। दिगंबर जैन महिला महासमिति, लॉयंस क्लब अजमेर आस्था, हमारे जो समाज सेवी लाइन राकेश जी पालीवाल है उनका पूरा सहयोग है, और भी सब कई लोग जो चंद्रेश जी सांकला के वार्ड के जो है साथी उनका सहयोग है। लॉयंस क्लब अजमेर आस्था इस समय 7 से 8 सेवा कार्य प्रतिदिन। इस बारे में जब विधायक देवनानी को पता चला कि जनता रसोई के माध्यम से गरीबों तक खाना पहुंचाया जा रहा है तो वह भी इस कार्य में आ गया है और उन्होंने पूड़ी के बजाय रोटी बनवाना शुरू किया और बनी बनाई रोटी पैलेस पर पहुंचने लगी और रोज 20,000 रोटी का सहयोग देवनानी की तरफ से होना शुरू हो गया। देखिए हमारे साथ हैं अजमेर उत्तर के विधायक श्री वासुदेव देवनानी जी, इनसे हम जानेंगे कि जनता रसोई और दूसरे सामाजिक सरोकारों में इस वक्त लॉकडाउन को देखते हुए क्या कर रहे हैं। देवनानी जी, जनता रसोई के बारे का जो प्रयास है मालूम पड़ा है, उसमें आपका कैसे योगदान है और क्या है, किस तरह से चल रहा है इस समय? जिस प्रकार के महामारी का तांडव चल रहा है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आह्वान पर हम ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं जिनके 2 समय का कई बार भोजन नसीब होना भी कठिन होता है, ऐसे लोगों की हम सहायता कर सकें, इसके लिए हमने सर्वप्रथम तो जनता रसोई की शुरुआत की। और जनता रसोई में हमने प्रयत्न किया कि वहाँ पर अपने पार्षदों के माध्यम से हम सूची मंगवाएं, उनके अनुसार दें और वो वहाँ से भोजन के पैकेट ले जाएं। उस भोजन के पैकेट में प्रारंभ में तो पूड़ियाँ थीं, लेकिन बाद में ध्यान आया कि पूड़ियों की जगह रोटियाँ चाहिए, तो मैंने अक्षय पात्र से, चूँ मेरे पुराने जब शिक्षा मंत्री था तब अक्षय पात्र से मेरे कि हमने इनको कई रसोइयाँ ऑटोमेटिक शुरू करवाई थी, उनको मैंने बुलाया, संपर्क किया, तो तय हुआ कि चपातियाँ वहाँ से हो जाएंगी। तो धीरे धीरे क्रम बढ़ते हुए आज की तारीख में 4,4100 ये पैकेट रोज़ बन रहे हैं। तो पहले ये अपने यहाँ पे वार्ड 60 में चंद्रेश जी के ऑफिस में बन रहे थे, लेकिन वो स्थान छोटा पड़ रहा था, फिर आजकल वो सत्यम में वो हमने शुरू कर रखा है, वहाँ पे नियमित रूप से 4,000 का भोजन बनता है। उसमें कितनी चपातियाँ? हाँ, उसमें उसे बता, टोटल इसमें 20,000 चपातियाँ मेरी ओर से इस जनता रसोई में भेजी जा रही हैं, और उसमें एक पैकेट में 5 चपातियाँ, सब्जी और 2 मिर्च। तो सब्जी की कुछ काफ़ी व्यवस्था तो हमारी अनिता जी कर रही हैं, और साथ में जो पैकेट्स हैं जिस बॉक्सेस में हम बांट रहे हैं वो मेयर साहब धर्मेंद्र जी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी कुछ जनता से भी कंट्रीब्यूशन दानदाताओं का भी आ रहा है, उसे हलवाई है, मिर्च मसाले हैं, तेल है, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ये पिछले लगभग 12-13 दिन से ये चल रहा है, लगभग ये 15 अप्रैल तक तो इसको हम चलाएंगे, जिसके आधार पे ये पैकेट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी कुछ, वैसे तो कई संस्थाएं काम कर रही हैं, निगम अपनी ओर से कर रही हैं, कई भामाशाह भी कर रहे हैं, तो मेरा एक कर्तव्य था कि मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस कष्ट के समय मैं लोगों के काम आ सकूं। फिर कुछ के सीधे फ़ोन आते हैं, कुछ की समस्या आती है तो उसको फिर DSO से बात करके उन लोगों के भी नाम उन लोगों को मैंने लिखवाए हैं, ताकि कुछ वहाँ से मिल जाए, कुछ NGOs को भी बताया। लेकिन जनता रसोई का एक प्रयोग एक बहुत ही सफल होता दिखाई दे रहा है, तो मैं समझता हूँ उसका लाभ जनता को मिल रहा है। इसी में एक कड़ी एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा देवनाथ जी, कि ये DM राहत कोष जो है अजमेर का, जो कलेक्ट्रेट के माध्यम से जिनसे मतलब जन सहभागिता चाही गई है जनप्रतिनिधियों से, पहली बात तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और अभी तक मतलब
उसमें क्या रहा है, आप उस चीज़ से कितना सेटिस्फाई हैं, मतलब कैसे आपके हिसाब से ठीक चल रही है? एक राष्ट्रीय आपदा है, इसीलिए पहले सीएम साहब का और वहाँ से संदेश आया का विधायक कोष से भी इसमें राशि दे सकते हैं, तो सर्वप्रथम तो हमको 1,00,000 रुपये की अनुमति मिली कि मास्क और सैनिटाइजर्स इसे खरीदे जाएं, तो 1,00,000 रुपये मैंने उसके लिए दिया। उसमें से मास्क और सैनिटाइज़र आए, उसमें मैंने कुछ तो सीएमएचओ को दिए, कुछ पुलिस प्रशासन को दिए, कुछ मेरे अध्यापकों को दिए और कुछ अन्य लोगों को क्षेत्र के अंदर बांट करके उसको लगातार उसका लाभ मिला। फिर अपील आई कि आप इसके उपकरणों वगैरह के लिए भी 5,00,000 रुपये दें, वह भी मैंने 5,00,000 दे दिए। फिर सीएम साहब का पत्र आया कि आप अपने गरीबों के भोजन के पैकेट्स के लिए या सामग्री के लिए भी राशि दे सकते हैं, तो मैंने 15,00,000 रुपये इसके लिए सेंक्शन किए। और उसमें अभी तक सीएम साहब का परसों फ़ोन आया, मैंने उनको सारी स्थिति बताई और उन्होंने अपने ओएसडी को कहा कि इसको फॉलोअप करो कलेक्टर से बात करते हुए, तो उसमें निश्चित रूप से उनका भी फ़ोन आया, श्रीमती आरती सुश्री आरती डोगरा जो यहाँ कलेक्टर थी आजकल ओएसडी सीएम है, तो उनको मैंने सारी परिस्थिति बताई। इसमें हमने स्पष्ट कहा है कि इसमें सामग्री आप खरीदो, लेकिन सामग्री किनको देनी है उसकी सूची, चूँकि विधायक कोष है तो विधायक प्रस्तुत करेगा और विधायक की उपस्थिति में ही वह सामग्री बांटी जाए ताकि सही व्यक्ति में पहुँच जाए, नहीं तो प्रशासन तो अपने हिसाब से कर ही रहा है। प्रशासन को तो अगर लगातार सहयोग सरकार करे, विधायक कोष से मतलब उस विधानसभा के अंदर जो नीडी लोग हैं उन पर सामग्री पहुँचे और उसमें विधायक की उपस्थिति हो, तो उन्होंने सीएम ने स्वीकार किया है कि इसको हम आदेश जारी करते हैं और रोज जी ने कहा है कि हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं। उसके बाद फिर कोई मैसेज अभी तक वहाँ से आया नहीं है, लेकिन इसमें जो 4-5 दिन देर हो रही है, मैं सोचता हूँ इसको तत्काल जिस दिन हमसे कहें उसके अगले ही दिन इसकी कुछ व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, और सामग्री में क्या डालेंगे, कितने पैकेट बनाएंगे, और ये तक इनसे सूची अभी तक हमसे मांगी नहीं है, कैसे उसका वितरण होगा, यानी इसमें मुझे लगता है कि जो ज़िला प्रशासन है उसको अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। और ताकि आप कोई सुझाव देना चाहेंगे ज़िला प्रशासन को भाई किस तरह से सक्रिय रहें और किस मतलब क्या बदलाव लाएं, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई? मुझे लगता है कि मैं अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, हालांकि पुलिस प्रशासन में एसपी और सब लोग काम कर रहे हैं, डीएसओ के माध्यम से भी मैं शिकायतें कर करके थक गया, कई राशन की दुकानें खुलती नहीं हैं, कई लोगों को राशन मिलता नहीं है, तो उसमें भी मैंने क्या कुछ के मैंने कहा कुछ कालबाजारी हो रही है, बाद में ये तो तय हुआ कि मूल्य सूची टांगेंगे, इतना तो तय हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो रुक नहीं पा रहे हैं, तो मतलब डीएसओ को ज़्यादा सक्रिय और टाइट होना पड़ेगा और जो गड़बड़ कालाबाजार इत्यादि करें उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, उसे हम कहीं नहीं कहते, लॉकडाउन को कठोरता से पालन हो और साथ में सामग्री के बारे में तुरंत कलेक्टर हमसे चर्चा करके मतलब जनप्रतिनिधियों को भी इन्वॉल्व, अभी तक मुझे लगता है कि कभी भी इसमें प्रशासन की बैठकें होती होंगी लेकिन जनप्रतिनिधियों की अभी तक कोई इस तरह की बैठक हुई हो या हमको कोई कारण, हम आगे होकर के ज़रूर मैं समय समय पे इन दोनों के तीनों के पास मैं गया हूँ और 2-3 दिन में एक बार मैं जा भी रहा हूँ और जनता की समस्याओं का समाधान की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनको आगे होकर के हमारे सुझाव मांगें और सुझाव के अनुरूप कोई हमसे भी क्या अपेक्षा है यह भी हम दोनों मिल करके इस आपदा से लोगों को राहत प्रदान करें। यह थे वासुदेव देवनानी जी, इनके हिसाब से डीएसओ और अन्य प्रशासनिक महकमों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए और इस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवधान पहुंच रहा है। केवल इतना ही नहीं बल्कि अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल के द्वारा रोज सब्जियों का भी बंदोबस्त करवाया जा रहा है। ये है जनता रसोई का सब्जियों वाला और किचन, ये सब्जियों की व्यवस्था अनीता बदेल करती हैं रोज, डेली उनका काम है यहाँ पर सब्जी पहले पहुँचवा देना, उसके बाद यहाँ स्वच्छता से ये टीम इसको काट के और प्रिपेयर करती है, लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है। अब ये वितरण होता कैसे है, उस बारे में भाजपा पार्षद एवं कार्यक्रम संयोजक नीरज जैन ने हमें जानकारी दी। जैन ने बताया कि इस कार्य में शहर के सभी पार्षद, चाहे वे भाजपा से जुड़े हों या फिर कांग्रेस से या फिर निर्दलीय, वे लोग रोज अपने क्षेत्र में कितने पैकेट चाहिए उसकी जानकारी हम तक पहुँचा देते हैं और हम यहाँ से उन्हें ऑर्डर पहुँचा देते हैं और उनसे हर एक पैकेट का 10 रुपये शुल्क लेते हैं। हालांकि गरीबों तक खाना निशुल्क ही पहुंचता है और इस छोटे से सहयोग से रोटेशन होता रहता है। यहां देखिए बहुत सैकड़ों लोगों की टीम है, करीबन 100 के करीब लोग यहां लगे हुए हैं। आइए आपकी हम बात कराते हैं नीरज जी से, पार्षद नीरज जैन से, जो कि इस मिशन के संयोजक हैं। वो हमें इसके आगे बताएंगे कि इसकी व्यवस्था आखिर किस तरह से की, किन किन लोगों का योगदान होता है और लोग किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नीरज जी
बताइए इसमें आप मतलब किस तरह से इसका संचालन कर रहे हैं। देखिए जिस दिन से लॉकडाउन का आदेश हुआ उसके एक दिन पहले ही हमारे भाई चंद्रेश जो हमारे साथी पार्षद उनको ये ध्यान में आया कि अपने को क्योंकि सरकार अपनी व्यवस्थाएं करेगी लेकिन जनता के प्रतिनिधि हम हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता का सबसे सीधा जुड़ाव अगर कहीं है तो ये पार्षद साथियों से रहता है और जनप्रतिनिधियों से, विधायक से और राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष उनसे रहता है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि प्रशासन सरकार अपनी व्यवस्था करे, उसके बीच में हमें कड़ी के रूप में काम करे, जनता के बीच में, प्रशासन के बीच में, इस कड़ी को जोड़ते हुए ये जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के जनप्रतिनिधि द्वारा ये जनता रसोई की स्थापना की गई। इस जनता रसोई का उद्देश्य केवल मात्र यह था कि जब देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, हर व्यक्ति को भोजन मिले इसकी चिंता भी जनता करे, तो डॉक्टर्स अपनी सेवा कर रहे हैं, नर्सेज अपनी सेवा दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। लगभग कितने पैकेट्स रोज आप यहाँ कितने लोगों की वहाँ हो जाता है इस सहयोग में सीधा, क्योंकि जो कम काम कर रहे हैं हमने सीधा जनप्रतिनिधि के नाते के साथ जुड़ करके काम किया है। प्रतिदिन कौन कौन से जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हैं? इसमें पार्षद, विधायक, पार्टी के जिलाध्यक्ष भी है। ये दलगत राजनीति के ऊपर हमने जनता रसोई का निर्माण किया तो इस जनता रसोई में कांग्रेस, बीजेपी सभी के पार्षद, जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और समाज सेवी संस्थाएं और भामाशाह भी इसमें जुड़े हैं क्योंकि उनके सहयोग के बिना काम नहीं हो सकता। तो प्रतिदिन यहाँ से पार्षदों से उनसे रोज की रिक्वायरमेंट ले ली जाती है एक दिन पहले ही, क्योंकि 100 पैकेट चाहिए, 150 पैकेट चाहिए, 200 पैकेट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट नेक्स्ट डे हम सुबह यहाँ पर ये भोजन बना करके उन तक पहुँचाते हैं और ये भी सशुल्क है। पार्षद 10 रुपये प्रत्येक डब्बे का शुल्क देगा लेकिन वो जनता को नीचे निःशुल्क देगा, ये भी हमने तय किया। उसके लिए वो चाहे वो भामाशाह, किसी भामाशाह से वो सहयोग ले, चाहे वो खुद करे, लेकिन जनता से इसका पैसा नहीं लेना है और हमको इसका 10 रुपये शुल्क लेना है। इसके पीछे क्या मतलब 10 रुपये शुल्क? इसका हेतु ये है कि एक जो मुफ्त की भावना, एक फ्री में मिलने वाले खाने की भावना जो घर कर जाती है कि बेवजह लेना और उसको मिसयूज करना, तो पार्षद को, जनप्रतिनिधि, उसे पता है कि कहाँ पर इसकी आवश्यकता और कहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल जिसको आवश्यकता उसी तक वो भोजन पहुंचाएगा, उस जरूरतमंद तक, उस गरीब व्यक्ति तक जिसको इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए इसका किया है। ऐसे ही जो रजिस्टर हमने मेंटेन किया है जिसमें सभी पार्षदों से एक दिन पहले हम उनकी रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, रिक्वायरमेंट लेकर के उनको वो भोजन पहुँचाते हैं, भोजन पहुँचाते हैं, साथ में उनसे वापस शुल्क भी लेकर के आते हैं। तो ये इसमें नाम दिए हुए हैं विभिन्न पार्षदों के, अर्षा मोतियानी जी, भवानी सिंह जी, संपत सांगला जी, ललिता रावत, राजेंद्र राठौर, डेली हमसे पार्षद इस प्रकार रिक्वायरमेंट ले रहे हैं। मतलब एक लंबी फहरिस्त है नीरज जी के पास, ऐसे भामाशाहों की, ऐसे दानदाताओं की, ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है जो सब मिलके इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इन्होंने इसको शुल्क 10 रुपये रखा है उस व्यक्ति के लिए जो आगे यहाँ नाम नोट करा कर रजिस्टर करके आगे अपने वार्ड में ले जाके बांटना चाहता हो, जिसके पीछे इनकी नीयत बिल्कुल साफ है कि जिस किसी को इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं होगा इससे, जिस किसी को जितने पैकेट चाहिए होंगे उतना शुल्क देकर वो ले जाएगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ को की वेस्टेज तक बचेगी। इतना ही नहीं, जिस पैकेट में भोजन तैयार होकर जाता है वह पैकेट भी सत्यम पैलेस पर ही बनाए जा रहे हैं और हमने पैकेट बनाने वालों से भी बात की। बात करने पर मालूम पड़ा कि पैकेट की व्यवस्था मेयर धर्मेंद्र गहलोत की द्वारा की जा रही है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस सामग्री जो है, भोजन सामग्री जैसे पैक करके दी जा रही है, वो पैकिंग जिन डब्बों में होती है वो डब्बे भी, मैं चाहूँगा यश आप दिखाएं, वो डब्बे भी यहीं बैठकर बनवाए जाते हैं ताकि शुद्धता मेंटेन रहे। ये लई तक यहाँ लगा के खुद डब्बे बना के सुखाए जा रहे हैं, उसके बाद इस पर जो है से भोजन सामग्री पैक की जाएगी। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका साहब? लोकेश। लोकेश जी यहाँ रोज़ कितनी बजे आ जाते हो आप? हम सुबह 8:30 बजे आ जाते हैं, 8:30 से शाम को 4 बजे तक सब जने यहाँ बॉक्स बनाते हैं। 4-5 हज़ार करीबन बॉक्स बनाए जाते हैं। 5 हज़ार बॉक्स रोज बना रहे हैं? 4 हज़ार से 5 हज़ार के बीच में बनाए जाते हैं। अच्छा, ये कितने रुपए प्रति बॉक्स बनता होगा? ये करीबन वैसे तो 4 रुपए का, पर यहाँ पे कार्यकर्ता के वजह से 3 रुपए का बॉक्स बन रहा है। अच्छा अच्छा, अब देखिए ये 3 रुपए प्रति बॉक्स रोज चल रहा है और इसकी व्यवस्था हमारे मेयर धर्मेंद्र गहलोत कर रहे हैं। मतलब कितनी लगभग 4 हज़ार बॉक्स की व्यवस्था डिप्टी मेयर संपत जी साखला ने भी करवाई है, बाकी मुख्य व्यवस्था हमारे धर्मेंद्र जी गहलोत कर रहे हैं सारी। इसके अलावा कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपना सहयोग दे रहे हैं और निस्वार्थ भावना के साथ
अपना कार्य कर रहे हैं। हम आपकी बात करवाना चाहते हैं कपिल जी से। कपिल जी जो कि इस इन्होंने इस जगह की व्यवस्था करवाई है, ये जगह दिलवाने में उनका योगदान है। और ये सुबह से मैं देख रहा हूँ आप रोटियाँ जो है लोगों के लिए ला के कर रहे हैं। कपिल जी कैसा लग रहा है आपको ये करके? संतुष्टि मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ सेवा कर पा रहे हैं देश के लिए और गरीबों के लिए। जहाँ जितनी कर सकते हैं हम उतनी करेंगे और बस यही है। आप सुबह कितनी बजे आ जाते हैं? 8:30-9 बजे तक आ जाते हैं कि 9 बजे से सब्जियाँ रेडी हो जाती है, उसके बाद अपने लग जाते हैं। 12:30-12 बजे तक सब कोई को निकाल करके भिजवा देना पड़ता है। लगभग कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? आप यहाँ पर नेवी करके 25-30 जन के आसपास लोग काम कर रहे हैं। दो ग्रुप में आप देख सकते हो कि उसमें पार्टीशन किया हुआ है ताकि कोई किसी के साथ टच में नहीं आए, दूरी मेंटेन रहे और अच्छे से अच्छे काम हो और जल्दी से जल्दी काम हो। ये जगह आपने जब उपलब्ध करवाई आपको किसने संपर्क किया था? हमें चंद्रेश जी ने संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि ये शुभ काम के लिए, ये जगह के लिए। तो हमें कहा कि चलो अच्छा है, क्योंकि ये कोई अच्छे काम के लिए भी सुविधा हो जाए तो उसके लिए और कुछ चाहिए नहीं। देखिए कितनी अच्छी नियत, नेक नियत से इन्होंने ये सोच के एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है लोगों के लिए। आइए बात कराते हैं आपकी यहाँ के एक सक्रिय कार्यकर्ता नंदू गुजर जी से। नंदू जी कैसे चल रहा है, मतलब किस तरह से चल रहा है काम? बहुत बढ़िया तरीके से ये चल रहा है और इसकी पहल जो है हमारे चंद्रेश जी और नीरज जी ने इसकी पहल करी, जो स्वागत योग्य है। और यहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था है वो बहुत साफ और स्वच्छ, मतलब वर्तमान जिस दौर को देखते हुए स्वच्छता से यहाँ काम किया जा रहा है। और करीब करीब 2 बजे तक हम लोग जो हैं यहाँ फ्री हो जाते हैं क्या, और सब्जी वगैरह ये वगैरह जो हलवाई वगैरह जो है स्टाफ जो हमारे लोग हैं वो बहुत कोरोना को देखते हुए हर तरीके से जो है सावधानियाँ बरतते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद है सोनू माखीजानी जी, ये अजमेर साउथ से यहाँ पर अपने क्षेत्र में भोजन वितरण के लिए डब्बे लेने आए हैं। नमस्कार, मैं सोनू माखीजानी, हमारे दक्षिण की विधायिका अनीता बदेल द्वारा यहाँ से रोज 1000 से 1500 डब्बे दक्षिण क्षेत्र में हर वार्ड में वितरित करने के लिए मैं ले जाता हूँ यहाँ से। इसके अलावा हमारी दक्षिण की विधायिका अनीता बदेल कई और रसोइयों द्वारा रोज के कम से कम 4 से 5 हज़ार डब्बे हर दक्षिण क्षेत्र के हर वार्ड में वितरित कर रही हैं, जिसका आपके सामने उल्लेख है। देखिए कितना पुनीत प्रयास है और कितना आराम से जन सहयोग और जन सहभागिता से ये चीज़ यहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। वाकई आयोजक बंधुओं और भामाशाह बधाई के पात्र हैं कि एक पैरेलल, मतलब प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन प्रशासन के बिल्कुल पैरेलल एक जन सेवकों की, समाज सेवियों की और अच्छी नीयत वाले लीडर्स की एक बॉडी काम कर रही है जो सैकड़ों लोगों को भोजन पहुंचा रही है। ये देख के मुझे किसी शायर की 2 लाइन याद आती है कि खुद ब खुद मंजिल का पता जान लेते हैं, दीवाने कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। सहयोगी यश बाग के साथ नरेश रागानी, होराइजन इन न्यूज़ के लिए।